हम लोग जो एक्सरसाइज 2.3 कर लिए थे, ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 पूरी अच्छी तरीके से कर लिए थे, और आज जो हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पढ़ने वाले हैं। तो 2.4 में देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन डन बाय यू, यानी कि इसमें से क्या है ये स्टेटमेंट का मतलब क्या लिखना है। जैसे 58, देखो यहाँ पे क्या है 58, और 85 के इधर निशान लगा, यानी कि 85 बड़ा है, इसे हम लोग क्या लिख रहे थे, 58 इज ग्रेटर देन 85, इसका मतलब यह हुआ 58 छोटा है, यानी कि 58 इज लेस देन 85, और जो 85 पहले लिखते थे लिखते 85 इज ग्रेटर देन 58। इसी तरह से अब ये था 176, तो इधर का साइन है तो ये क्या है, ये बड़ा है, इसवा लिखेंगे 176 इज ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन या मोर देन, आप भी लिख सकते हो ग्रेटर या मोर देन, तो लिख दोगे मोर, क्या आएगा इसमें मोर देन, क्या जाएगा मोर देन 105, और ग्रेटर देन भी आप लोग लिख सकते हैं, मोर देन या ग्रेटर देन, दोनों में से कुछ भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। इसी तरह से 4129, अब ये क्या देखो ये छोटा है किससे, 5217 से, यानी कि 4129 जो है ना ये छोटा है 5217 से, तो स्मॉलर देन, यानी कि क्या लिखेंगे, अ स्मॉलर देन, ठीक है, अ स्मॉलर देन 5215, ठीक है, क्योंकि ये छोटा था। आर एस में सोने तो जो फर्स्ट था इसमें जो बी में था इसमें क्या आएगा, ग्रेटर देन या मोर देन, और इसमें स्मॉलर देन आएगा या लेस देन, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लोगे, दोनों में से कोई एक लिखना, या तो लेस देन या फिर ग्रेटर, या लेस देन या, ठीक है, लेस देन या स्मॉलर देन, या फिर तो ग्रेटर या स्मॉल लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा लेस देन, अगर जो दोबारा से आपको बता देते हैं, बी में क्या आएगा लेस देन, और इसमें क्या था मोर देन, क्या था मोर देन, यानी कि ये ज़्यादा था तो मोर देन, ओके। आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू, देखो क्वेश्चन नंबर टू में जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू में ना जो नंबर बड़ा है उधर की ओर साइन रखना, ये देखो तो क्या था 64, 6405, ये है 6305, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है, ये बड़ा है, तो हम लोग इधर का साइन लगा देंगे इस तरह से। इसमें देखो 7000 है और ये है 5298, तो आप लोग अगेन बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, आप बोलोगे सर 7000 ग्रेटर है, इसलिए हम ग्रेटर देन इधर का साइन लगा देंगे। यहाँ पे देखो 8235 है, यहाँ पे 8327 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये जो नंबर है ना ये बड़ा है, क्योंकि 8000 ये 327 आ रहा है, और ये था 8239, ये बड़ा था, तो हम लोग इधर का साइन लगा देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो नंबर ग्रेटर होगा आप लोग उधर का साइन पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2075 था, यहाँ पे 2735, यहाँ पे 2735 ग्रेटर देन है, तो हम लोग ग्रेटर थे इधर का साइन लगाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से आप लोग सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन नंबर टू जो है आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में जो था स्टूडेंट्स देखो क्या करना था, थर्ड क्वेश्चन में जो है आपको ये करना है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ना इसे आपको किस चीज़ में अरेंज करना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में से। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे ग्रेटर को सबसे पहले लिखते हैं, जो ग्रेटर नंबर होता है यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसमें से आपको देख पा रहे होंगे, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, देख पा रहे होंगे कि सबसे ग्रेटर जो नंबर है, सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है, 2451, 6719, 3269, तो आप बोलोगे सर 6719, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे 6719 को, आफ्टर दिन उसके बाद लिखोगे, उसके बाद कौन सा बड़ा है 3000, तो 3269 आफ्टर दिन ये नंबर बच गया 2000, उसके बाद लिखोगे टू, तो हमारे देखो मैं स्क्रीन बड़ा कर रखे, आप लोग इस तरह से लिखोगे 2451, ठीक है, इस तरह से आप लोग करोगे। तो आई थिंक देखो सबको समझ में आ रहा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इसी तरह से देखो, इसी तरह से इसमें भी लिखोगे, इसी तरह से आप लोग करोगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो देखो सबसे बड़ा नंबर जो था वो क्या है, सबसे पहले जो हम बात करें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर की इसमें, तो सबसे बड़ा क्या है,
देखो ये पहला नंबर था 4259, फिर है 4583, फिर 3935, तो सबसे बड़ा ये है। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिखेंगे, उसके बाद ये है, तो दूसरे नंबर पे इसे लिख लेना और तीसरे नंबर पे इसे लिखोगे आप लोग, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लोगे डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसका जस्ट अपोजिट होता है एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है स्टूडेंट, एसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है उसे लिखना होता है। एसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखते हैं। इसमें से आप लोग देख सकते हैं ये क्या 2080, ये है 3486, ये है 1753। तो सबसे छोटा नंबर जो है क्या है, सबसे छोटा है 1753, क्या है 1753 सबसे छोटा नंबर ये है। तो सबसे पहले आप लोग ये लिखोगे, फिर है 2080, क्या है 2080, उसके बाद है सबसे बड़ा है 3486। तो आप लोग इस तरह से करोगे, ओके। आई थिंक आप लोग को देखो समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था, एसेंडिंग ऑर्डर क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है, किस तरह से अरेंज करना है। जैसे इसी में बी में आप लोग लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है, देखो इसमें से ये तो 48 आ रहा है, ये 39 36, सबसे छोटा जो है ना वो ये है 3619। उसके बाद है, तो पहले आप लोग लिखोगे 3619, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 3983, उसके बाद क्या था 48000, ये उसके बाद सबसे लास्ट में लिखोगे, इस तरह से लिखोगे 4893, ठीक है। आई थिंक आप लोग देखो समझ जाएंगे पूरी एक्सरसाइज को किस तरीके से आपको करना था। एक्सरसाइज 2.4 का जो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस था वो आपको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था, आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। अगर जो फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है तो आप लोग देखो, इससे पहले भी हम लोग क्लास ले चुके हैं, इससे पहले भी आपकी क्लास करवा चुके हैं, और इस तरह से आप लोग दोबारा से आप लोग पूछ सकते हो तो हम बताएंगे। अब देखो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.5 में, क्योंकि रिविजन्स करा रहे थे, एक एक दिन में दो दो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं हम, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं और दोबारा से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि एक दिन में एक एक्सरसाइज होगा, दो दो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो 2.5 में क्या था कि जो यहाँ पे हमें डिजिट लिखा हुआ है ना, ये डिजिट कुछ लिखा हुआ है 2, 3, 5, इससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा। जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो ना, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उससे पहले लिखो, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है 5, फिर है इससे छोटा 3, फिर इससे छोटा 2, तो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा 532। ये देखो डिजिट था इसलिए कॉमा लगा हुआ। अब यहाँ पे हम लोग इसमें जब लिखेंगे ना, इसमें हम लोग कॉमा नहीं लगाएंगे, इसमें हम लोग कॉमा नहीं लगाएंगे, जैसे एज एडजेक्टिव बता देंगे 532 एक साथ। अब इससे छोटा क्या करना, जस्ट इसका उल्टा कर दोगे, जब जीरो नहीं होते तो क्या लिखोगे 235। ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया और ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, इसी डिजिट में से बनाना था इसलिए। इसी तरह से अगर जब बी क्वेश्चन आप लोग करोगे तो बी में देखो थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बड़े में तो जैसे आप लोग बड़ा लिखते हो वही लिखोगे, तो 980, देखो सबसे बड़ा 9 था, फिर और स्मॉलेस्ट में क्या करना है, सबसे पहले जो छोटा है ना उसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसे आगे लगा, जैसे अब 089 हम लिख दिए, ये सबसे छोटा ही है, तो ये ना नंबर एक्चुअली जीरो आगे वैल्यू नहीं होता, ये नंबर 89 ही नहीं होगा, 089 का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए हम ये नंबर एक फॉर्म नहीं हो रहा था, तो ये नहीं लिखेंगे। आप लोग पहले जीरो को रहेगा तो उससे पहले जो बड़ा नंबर है थोड़ा उससे लिखो, फिर उसके बाद जीरो लिखना। तो आप लोग लिखोगे 809, क्या लिखेंगे 809। बाकी अदर में तो हम बताए थे कि उल्टा कर देना, पर जीरो बारे में इस तरह से नहीं करोगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग देखो समझ रहे होंगे कि क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर आपको किस तरीके से बनाना है। उसके बाद जो था जैसे सी में 5428, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 8542, और स्मॉलेस्ट नंबर जैसे इसका उल्टा कर देना है 2458, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। तो आई थिंक देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था आपको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जो था उसे हमें कुछ दिए रखा है मैचिंग, और इस तरह से हमें मैचिंग करना था, क्या था ये देखो क्या है 4 times 9, तो 4 times 9 होता है ग्रेटेस्ट 4 digit number, इसका हो जाएगा ये ग्रेटेस्ट 4 digit number। 1000 जो होता है स्मॉलेस्ट 4 digit number, स्मॉलेस्ट 4 digit number, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद था 1020, देखो 9876,
9876, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, वो भी चार अलग अलग डिजिट का, चार अलग अलग डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। देखो नाइन, फिर उससे बड़ा उसमें बाद अलग लेंगे तो एट आएगा, क्योंकि नाइन नहीं लेना था, अब नाइन एट भी नहीं लेंगे तो सेवन आएगा, फिर सिक्स आएगा, ये ग्रेटेस्ट था अलग अलग। और 1023 ये स्मॉलेस्ट नंबर है चार डिजिट का, वो भी डिफरेंट डिजिट का, चार अलग अलग डिजिट का सबसे छोटा नंबर, चार अलग अलग डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये होगा, और चार अलग अलग डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये होगा। ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखना चीज़ों को अच्छे से, ताकि समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू दोनों किस तरीके से करना था, आप लोग को सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नाउ उसके बाद जो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, थर्ड क्वेश्चन में था फ्रॉम द नंबर्स, थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो नंबर्स है फ्रॉम द नंबर्स विथ टू इन द हंड्रेड प्लेस, यानी कि अब आपको 100 प्लेस में टू रखना है, वंस रखना है, वन प्लेस, जैसे 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 कर रहा है ना हम उस तरह से लिखते, पहले अपना नंबर लिख लो, जैसे यहाँ पे वंस, यहाँ पे लिख लो टेंस, फिर 100, 100 के बाद क्या आता है बच्चों 1000, तो ये हम लिख लिए 1000 लिख लिए। अब जो हमें क्या करना था, अब जो क्या करना था, पहले देखो टू को कहाँ रखना है 100 पे, तो हम टू को रख दिया 100 पे, वन को कहाँ रखना था, वन को रखना था वंस पे, तो वन को रख दिया वंस पे, और जीरो को रखना था टेंस पे, तो जीरो को रख दिया हम टेंस पे, और फोर को रखना था 1000 पे, तो फोर को रख दिया 1000 पे, तो नंबर क्या बन गया 4200, नंबर क्या बन गया 4200, यानी कि 4200। तो आप लोग इस तरह से लिख लेना, पहले वंस टेंस 100 1000 लिख लो, फिर जो डिजिट जहाँ पे रखने बोला उस तरह से हम लोग कर लेंगे। जैसे इसी का देखो थर्ड ये था, इसी का और हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन अगर जो हम लोग करें, देखो और क्वेश्चन अगर जो हम करते हैं और क्वेश्चन, जैसे फोर में, तो फोर में था दोबारा से, पहले तो हम लिख लेते वंस टेंस 100 1000, क्योंकि आपको चार डिजिट का नंबर बोला, सिक्स को रखना है वंस प्लेस पे, तो सिक्स को रखे वंस पे, फाइव को रखना था टेंस प्लेस पे, तो फाइव को रख दिया टेंस पे, फोर को रखना था 100 पे, तो फोर को रख दिया 100 पे, थ्री को रखना था 1000 पे, तो थ्री को रख दिया 1000 पे, बन गया 3456, ये हमारा जो नंबर था बनेगा। इस तरह से आपको अलग अलग आगे पीछे करके दिया हुआ, एक साथ दिया हुआ, तो आप लोग नंबर का फॉर्मेशन किस तरीके से करोगे, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ उसके बाद देखो था फ्रॉम द नंबर्स 9 इन द 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे 9 रखना है, 8 तो पहले वही वंस टेंस 100 1000, ये बोला 9 को 1000 प्लेस पे रखो तो रख दिए, 8 को 100 प्लेस पे रखो रख दिए, उसके बाद था टेंस, और देखो शायद ये हाँ 7 को रखना था टेंस प्लेस पे, और 6 को रखना था वंस प्लेस पे, ठीक है। इस तरह से आपका था, देखो सॉरी हम ना थोड़ा मिट गया, अभी दोबारा बता देते हैं, एक बार वंस टेंस 100 1000, तो पहले बोला 1000 को रखो 9 पे, और 8 को रखो 100 पे, तो 100 पे रख दिए, उसके बाद 7 को रखना था टेंस प्लेस पे, वंस पे रखना था 6 पे, तो नंबर बन गया 9876। आई थिंक देखो आपका ये दोनों एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट, कोई क्वारी कुछ भी रह जाता है तो आप लोग कमेंट के नीचे ठीक है लिख के जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, ताकि आपके जो डाउट है क्लियर हो सके, ठीक है। फिर हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जब तक आप लोग घर पर सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ कर बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।